मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की कोर्टनी और उसकी छोटी बहन को एक गाड़ी से जाता हुआ देखते हैं। तभी कोर्टनी मोबाइल यूज करने में बिजी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक रेन से टकरा जाती है और वो नीचे रिवर में गिर जाती है। अब इस एक्सीडेंट में कोर्टनी तो बच जाती है लेकिन उसकी छोटी बहन मर जाती है जिसकी वजह से कोर्टनी डिप्रेशन में चली जाती है और वो इस हादसे की वजह से आफ्टर लाइफ यानी इंसान की लाइफ के बाद क्या होता है उसके बारे में काफी सोचती है। असल में कोर्टनी एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। फिर एक दिन उसके सामने एक पेशेंट को लाया जाता है जिसके दिल की धड़कने काफी टाइम के लिए रुक गई थी। इट्स मीन वो लेडी मर गई थी लेकिन CPR देकर उसे दोबारा जिंदा किया जाता है। तब कोर्टनी उस लेडी से पूछती है, जब आपकी हार्ट बीट बंद हो गई थी तो आपने क्या महसूस किया? क्या आपने अपने किसी खोए हुए इंसान को देखा या फिर कुछ फील किया? लेकिन वो पेशेंट उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे पूछती है कि क्या तुमने अपने किसी को खो दिया है। इसके बाद डॉक्टर उस पेशेंट को वहां से ले जाते हैं लेकिन वो औरत मर कर दोबारा जिंदा हुई थी तो कोर्टनी ये देखकर काफी हैरान थी। वहीं पर हम कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठकर रो रही थी क्योंकि मेडिकल की स्टडी उसे काफी मुश्किल लगती थी और सिर्फ उसे अपनी मदर के प्रेशर की वजह से ही मेडिकल की स्टडी करनी पड़ रही थी। तब कोर्टनी उसे कहती है कि मैं स्टडी में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी मेरे एक प्रोजेक्ट में। फिर कोर्टनी उसे नेक्स्ट डे कॉलेज की बेसमेंट में बुलाती है जहाँ पर किसी का आना भी अलाउड नहीं था। फिर कोर्टनी की फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद हमें कोर्टनी का मेल फ्रेंड दिखाया जाता है। अब कोर्टनी उससे इधर उधर की बातें कर उसे भी बेसमेंट में बुलाती है। असल में कोर्टनी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो लोगों की हेल्प चाहिए थी इसीलिए वो अपने दोनों फ्रेंड्स की हेल्प लेती है। फिर रात को वो दोनों भी उसे बेसमेंट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर कोर्टनी उनके सामने सारी बात रिवील करती है कि असल में मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ जिसका नाम फ्लैट लाइनर है जो मेडिकल साइंस में काफी बड़ी डिस्कवरी और अचीवमेंट होगी क्योंकि मरने के बाद इंसानों को व्हाइट कलर की लाइट दिखती है और इसी दौरान थोड़े टाइम के लिए इंसान का दिमाग जिंदा भी रहता है। ये वही टाइम होता है जब इंसान लाइफ के बाद अपनी आफ्टर लाइफ में एंटर करता है। आफ्टर लाइफ में जाने के बाद इंसान के ब्रेन में क्या क्या हो रहा होता है उन्हीं एक्टिविटीज को हमें चेक करना है। यानी अभी इस एक्सपेरिमेंट में एक मिनट के लिए कोर्टनी की दिल की धड़कने बंद होंगी और उसकी पूरी बॉडी मरने लगेगी और इसी बीच उसके ब्रेन की सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर ऐसा करने के बाद उन्हें उसकी दिल की धड़कने वापस स्टेबल करनी होगी यानी वापस लानी होगी। अब ये सुनकर कोर्टनी का मेल फ्रेंड तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए एग्री हो जाता है लेकिन कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड काफी घबराने लगती है क्योंकि किसी मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा करना कोई आसान बात थोड़ी होती है। इसके बाद वो लोग अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। कोर्टनी का मेल फ्रेंड उसे इंजेक्शन लगा देता है और अब आहिस्ता आहिस्ता कोर्टनी के दिल की धड़कने बंद होने लगती है, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और यहाँ पर कोर्टनी मर जाती है। और फिर ये लोग कोर्टनी की ब्रेन एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने लगते हैं और दूसरी तरफ हम कोर्टनी को देखते हैं जहाँ उसकी नई पुरानी सारी मेमोरीज रिफ्रेश होने लगती है। उसने बचपन में क्या किया, क्या पढ़ा लिखा, उसे अचानक से सब कुछ याद आने लगता है। उधर देखते ही देखते एक मिनट पूरा हो जाता है और कोर्टनी को इंजेक्शन देकर दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की जाती है लेकिन वो जिंदा हो ही नहीं रही थी। फिर वो लोग उसे CPR देते हैं। वो लोग सब कुछ कर रहे थे उसे जिंदा करने के लिए लेकिन वो फिर भी जिंदा नहीं हो रही थी। तब ये देखकर कोर्टनी की फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उस डॉक्टर को इमरजेंसी की सूरत में बेसमेंट में बुलाती है। तब यहाँ पर वो डॉक्टर इमरजेंसी मैसेज देखकर नीचे जाने लगता है। तब उसे देखकर मार्लो भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। जब वो नीचे आता है तो कोर्टनी की फ्रेंड उसे सारी बात बता देती है कि ये एक्सपेरिमेंट कोर्टनी का ही था और 2 मिनट हो गए हैं अभी तक वो दोबारा जिंदा नहीं हो रही। तब ये देखकर वो डॉक्टर कहता है कि सिर्फ CPR से काम नहीं चलेगा, पहले उसकी हार्ट बीट को हमने स्टेबल करना है। इसके बाद वो उसके मुंह में एक वायर डालता है जो कि उसके हार्ट तक पहुंच जाती है। ऐसा करने के बाद वो उसे दोबारा से CPR देने लगते हैं। उधर हम कोर्टनी को देखते हैं जो कि अलग ही दुनिया में आ गई थी। असल में कोर्टनी आफ्टर लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही थी जहाँ पर उसकी बॉडी तो उस हॉस्पिटल के रूम में थी और उसका ब्रेन आफ्टर लाइफ की दुनिया में था। अब जैसे ये लोग उसे CPR दे रहे होते हैं तो उसे ऐसा फील होता है जैसे ये सारा रूम टूट गया है और तभी अचानक से उसे होश आ जाता है, वो दोबारा जिंदा हो जाती है। इसके बाद वो लोग उसे घर ले आते हैं। उसकी दोनों फ्रेंड्स उसे पूछती हैं कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है तो वो कहती है कि ये फीलिंग्स बड़ी अजीब है, यानी मेरे ब्रेन में जितनी भी यादें थी वो सारी रिफ्रेश हो गई, ताजा हो गई। इसके बाद वो लोग उसकी ब्रेन की एक्टिविटीज देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि कोर्टनी की दिल की धड़कने रुक गई थी और उसका ब्रेन भी ब्लैंक होता जा रहा था और तभी उन्हें कई कई जगह पर
इलेक्ट्रिक पल्सेस दिखती है। और ये इलेक्ट्रिक पल्सेस दो जगहों पर पाई गई थी, एक ब्रेन के उस हिस्से में पाई गई थी जहाँ से इंसान को प्यार, नफरत, भूख या प्यास का एहसास होता है। दूसरी जगह वो होती है जहाँ इंसान का स्ट्रेस, इमोशन स्टोर होते हैं। यानी कोर्टनी के लास्ट मोमेंट्स में उसके बहुत सारे इमोशंस रिलीज हो रहे थे। अब इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी स्ट्रांग हो गई थी। दौड़ने में तो उसका स्टेमिना काफी बढ़ गया था और पहले ही दिन वो 20 माइल दौड़ कर आई थी। यानी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके पैदा होने से लेकर अब तक उसने जो भी किया लाइक स्टडी और वो बातें जो उसने कही सुनी सब याद थी। कॉलेज में भी वो टॉपर्स के लेवल पर आ जाती है। यानी ऐसा लग रहा था जैसे उसका ब्रेन रीसेट हो गया हो। वो काफी स्ट्रांग हो गई थी। अब ये देखकर उसके फ्रेंड्स काफी खुश थे और डॉक्टर के अलावा सब इस एक्सपेरिमेंट को खुद पर आजमाना चाहते थे। वो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि ये गलत है, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर एक एक करके वो तीनों इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर आजमाने लगते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को फ्लैट लाइनर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इंसान की हार्ट बीट बिल्कुल रुक जाती है, बिल्कुल फ्लैट लाइन की तरह। यानी जब मशीन पर एक स्ट्रेट लाइन चलने लगती है। जब कोर्टनी के मेल फ्रेंड पर इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो उसे अपनी वाइफ याद आती है। असल में उस टाइम उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसने अपनी वाइफ को उसी हालत में अकेला छोड़ दिया उसका साथ देने की बजाय। अब यही गिल्ट उसे याद आ रहा था। फिर हम कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जहाँ पर उसके स्कूल में एक टॉपर लड़की थी जिससे वो काफी जेलस होती थी और इसकी वजह से कोर्टनी की फ्रेंड ने उसकी प्राइवेट पिक्चर्स हर जगह वायरल कर दी जिसकी वजह से उस टॉपर लड़की की काफी बदनामी हुई और इसीलिए वो उस स्कूल को छोड़कर चली गई। इसके बाद मार्लो का एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड को दिखती है जो कि उसका पेशेंट था और एक दिन मार्लो ने जानबूझकर उसे मेडिसिन का ओवरडोज दे दिया जिसकी वजह से उसका फ्रेंड मर गया। यानी एक तरह से इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनका ब्रेन तो रिफ्रेश हो गया था, सारी यादें ताजा हो गई थी, स्टडी में टॉपर्स की लाइन में आ रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हें वो बातें भी याद आ रही थी जिन्हें वो लोग भुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड का एक्सपेरिमेंट आखिरी होता है इसीलिए वो लोग सिक्योरिटी से बचने के लिए वहां से भाग जाते हैं और वो एक पार्टी में चले जाते हैं। अब पार्टी के बाद कोर्टनी के दोनों फ्रेंड्स एक साथ ही वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मार्लो और वो डॉक्टर भी पार्टी को छोड़कर चले गए थे और अब पार्टी में अकेली कोर्टनी होती है। और जब कोर्टनी अपने घर के लिए जा रही होती है तो उसे अपनी बहन का एक ग्लिम्प्स वहां पर दिखता है, इसीलिए वो डरते हुए उसका पीछा करने लगती है। कोर्टनी की छोटी बहन एक गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जब कोर्टनी गाड़ी के अंदर दिखती है तो उसकी बहन की डेड बॉडी पानी में तैर रही होती है। तब ये देखकर कोर्टनी काफी घबरा जाती है और घर के लिए जाने लगती है। इसके बाद हम कोर्टनी की मेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि अपने बोट हाउस में होता है क्योंकि वो यहीं पर रहता था। बोट हाउस में आने के बाद अचानक से उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, उसे कपड़ा भी हिलता हुआ दिखाई देता है और जब वो उस कपड़े को हटाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी उसके पीछे उसकी वाइफ का भूत आ जाता है जो कि उस पर बस अटैक ही करने वाली होती है कि तभी उसके पास कोर्टनी की कॉल आ जाती है। कोर्टनी डरते हुए उसे बताती है कि मैंने अपनी बहन के भूत को देखा, तब इसीलिए उसका फ्रेंड उसके घर जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद कोर्टनी जब अपने घर पहुँचती है तो उसे डाइनिंग रूम में अपनी बहन का भूत दिखता है जो कि काफी डरावनी लग रही थी। अब यहाँ से कोर्टनी भागते हुए फायर एस्केप पर आ जाती है लेकिन तभी उसकी छोटी बहन भी वहाँ पर आ जाती है और वो कोर्टनी को धक्का देकर नीचे फेंक देती है जिसकी वजह से कोर्टनी वहीं पर मर जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब उन चारों को उसकी मौत का पता चलता है तो उन्हें काफी बड़ा सदमा लगता है। इसके बाद एक एक करके उन सबके साथ भी अजीब होने लगता है। कोर्टनी का मेल फ्रेंड जब अपने बोट हाउस में था तब उसे एक बार फिर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और तभी उसकी वाइफ का भूत उसे दिखाई देने लगता है। उससे बचते हुए वो भाग ही रहा था कि तभी वो भूत उसे पानी में गिरा देती है और एक नाइफ से उसे स्टैब करने लगती है। दूसरी तरफ मार्लो जब मॉर्ग में होती है तो उसे अपने पास की सारी डेड बॉडीज जिंदा होती हुई दिखाई देती है और तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड की डेड बॉडी उसे मारने आती है। फिर हम कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं, जब वो लिफ्ट से जा रही होती है तो अचानक से उसकी लिफ्ट बंद हो जाती है और उस टाइम उस पर कोई अटैक कर रहा होता है। और जब एक फ्लोर पर जाकर लिफ्ट रुकती है तो वहाँ पर एक अजीब सी खंडर जैसी जगह थी और जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है तो उस टॉपर लड़की का भूत उसे दिखाई देता है। इसके बाद शाम को वो चारों मिलते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं जो उनके साथ हुआ। तब उन्हें लग रहा था कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने आफ्टर लाइफ का डोर खोल दिया है जिसकी वजह से कोई एक डिमोनिक पावर है जो उनके पीछे पड़ गई है। तभी कोर्टनी का फ्रेंड कहता है कि मेरी वाइफ तो अभी जिंदा है, लेकिन उस डॉक्टर को ये सारी बातें अजीब लग रही थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग की गेम है और तुम्हारे साथ रियल में ऐसा नहीं हो रहा और तुम्हें अपने अपने गिल्ट का सामना करना चाहिए बहादुरी से ताकि ये जो तुम्हारे दिमाग का डर है वो खत्म हो।
जाए तभी बात उन लोगों को ठीक लगती है। तो इसीलिए कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड उस टॉपर लड़की का एड्रेस ढूंढती है और वो उस लड़की के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है कि मैंने ही तुम्हारी सारी पिक्चर्स वायरल की थी। तब यहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ बहस होने लगती है लेकिन बाद में वो टॉपर लड़की उसे माफ कर देती है। इसके बाद कोर्टनी का मेल फ्रेंड भी अपनी वाइफ को ढूंढता है। वो अपनी वाइफ को ढूंढ भी लेता है जिसकी कंडीशन काफी खराब थी और उसके साथ उसका बेटा भी था। अब यहाँ पर उसकी वाइफ उसे माफ नहीं करती तो इसीलिए कोर्टनी का फ्रेंड उसे काफी इंसिस्ट करता है कि प्लीज मुझे गलती सुधारने का एक मौका तो दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा और अपने बेटे का ख्याल रखूंगा। तो इसीलिए उसकी वाइफ भी उसे माफ कर देती है। अब इस माफी की वजह से कोर्टनी के दोनों फ्रेंड्स खुश हो गए थे, उन्हें सुकून मिल गया था। जैसे इसके बाद उन्हें फिर कोई भी भूत नजर नहीं आता। अब यहाँ पर मार्लो को ये बात समझ नहीं आती कि मैं उस आदमी से माफी कैसे मांगू जो ऑलरेडी मर चुका है। और जब वो गाड़ी में होती है तो कोई अचानक से एक प्लास्टिक शीट से उसका चेहरा कवर करके उसे मारने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक जगह पर टकरा जाती है। अब उसकी सारी सिचुएशन काफी खराब हो गई थी। वो सोचती है कि वो दोबारा से आफ्टर लाइफ में जाएगी और वहीं पर जाकर वो अपने फ्रेंड से माफी मांगेगी। इसीलिए वो हॉस्पिटल में पहुंचकर बेसमेंट में चली जाती है और अपने तीनों फ्रेंड्स को वहां आने का मैसेज करती है। बाद में वो खुद को इंजेक्शन लगाकर आफ्टर लाइफ में भेज देती है और इस बार तो आफ्टर लाइफ की दुनिया और ज्यादा डरावनी थी और वहां पर उसे कुछ अजीब चीजों का भी सामना करना पड़ता है। यानी कोई इनविजिबल पावर उसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और तभी उसे अपना फ्रेंड दिखाई देता है और वो उससे माफी मांगती है। लेकिन तभी अचानक से उसका फ्रेंड उस पर अटैक कर देता है। बाद में वो उसे हॉस्पिटल के एक बेड पर लिटा देता है जहाँ पर मार्लो एक तूफान में खींची चली जाती है। फिर उसके तीनों फ्रेंड्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। 5 मिनट हो गए थे उसे आफ्टर लाइफ में जाकर। ये लोग उसे वापस लाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन किसी भी तरह करके वो जिंदा नहीं हो रही थी दोबारा। तभी आफ्टर लाइफ में उसे कोर्टनी दिखाई देती है जो उसे कहती है कि तुम्हें खुद को माफ करना होगा वरना तुम हमेशा के लिए इसी जाल में फंस जाओगी। तब उसे जिंदा करने के लिए वो डॉक्टर उसकी हार्ट में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करता है और फाइनली उसकी हार्ट बीट चलने लगती है और वो दोबारा जिंदा हो जाती है। इसके बाद मार्लो अपनी टीम को सारी बात बताती है कि मैंने ही अपने फ्रेंड को ओवरडोज देकर मारा था। तब इसीलिए उसे थोड़े दिनों के लिए प्रोबेशन पर रखा जाता है। इसके बाद वो लोग कोर्टनी का लैपटॉप फेंक देते हैं जिसमें उस एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल्स थी। अब इनके साथ जो अजीब हो रहा था यानी इन्हें भूत दिखाई दे रही थी वो सब कुछ ठीक हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वैसे उनके साथ हुआ क्या था अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। असल में उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनका ब्रेन एक एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रहा था और जब उनकी हार्ट बीट रुक गई थी तो उनकी ब्रेन एक्टिविटी सबसे लास्ट एरिया में थी और ये ब्रेन की वो जगह थी जहाँ इंसान की स्ट्रेस और टेंशन होती है। तो इसीलिए उनकी लाइफ की सारी गिल्ट उन पर हैवी होने लगती है और यही वजह थी कि वो हेलुसिनेट भी कर रहे थे और जो भूत उन्हें नजर आ रहे थे वो असल में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि वो तो उनके दिमाग का एक वहम था। लाइक कोर्टनी को हमेशा से अपनी बहन की मौत का गिल्ट था तो इसीलिए उसे अपनी बहन के बारे में हेलुसिनेशंस होने लगती थी और इस तरह कोर्टनी के फ्रेंड को भी गिल्ट था अपनी वाइफ का और अपने उस बच्चे का। तभी तो उसे बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती थी जबकि उसकी वाइफ तो जिंदा थी और वो चोट जो उसके हाथ में थी वो किसी ने नहीं उसने खुद ने लगाई थी किसी भूत ने नहीं लगाई थी। इसी तरह मार्लो भी अपने उस फ्रेंड को हेलुसिनेट कर रही थी और कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड उस टॉपर लड़की को। तो इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।